TVS की मोपेड है और XL 100 है ये। ये मेरे पास आई हुई थी। तो इस बाइक के अंदर जो प्रॉब्लम है वो है इसका जो किक से साउंड आने का प्रॉब्लम। तो कस्टमर ने इस बाइक के अंदर ये किक का स्प्रिंग नया डलवाया हुआ था, उसके बाद भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो हमने जब इसे चेक किया तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम निकल के आया है वो एक इसका जो किक है ये साफ्ट, ये पूरा इस तरीके से ये चल रहा है। इसे कहीं पे जाकर इसे लॉक होना चाहिए था, वो लॉक नहीं हो रहा। तो ये किस तरीके से ये अंदर से फ्री हुआ है ये, और इससे साउंड भी आ रहा है। मैं एक बार इसे स्टार्ट करके देखेंगे हम। तो इसका किक हम लगाते हैं यहाँ पे और ये कहीं पर भी फिक्स हो जाता है। इसका इग्निशन ऑन करते हैं, लगाओ किक और देखो, निकालो किक, निकालो बाहर। अभी देखो ये लॉक नहीं हो रहा है, इस तरीके से ये चल रहा है। अब इस पर हम जब स्प्रिंग डालेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इस तरीके साउंड आ रहा है। तो इसके अंदर हम जैसे स्प्रिंग भी डाल देते हैं इसका किक का, जैसे कि अगले किसी मैकेनिक ने इसका जो स्प्रिंग है इसे डाला और ये बैंड हो गया पूरा, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये साफ्ट यहाँ पे रोकेगा नहीं, तब तक हमारा जो किक का स्प्रिंग है वो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम इसका पूरा इंजन ओपन करते हैं और ये कहाँ पर क्या प्रॉब्लम था वो मैं आपको दिखाऊंगा और किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो इसका मैं सारा कुछ पूरा इंजन ऑयल ड्रेन करते हैं पहले और इसे ओपन करते हैं पूरा। तो यार हमने इसका जो इंजन है इसे पूरा ओपन कर लिया है और इसका जो प्रॉब्लम निकल के सामने आया है वो है इसका किक का रैचेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये किक का जो साफ्ट है ये यहाँ पे स्टॉप होता है इस जगह पे और इसकी कंडीशन इस तरीके से हो गई है। ये क्या हो रहा था, इसे मैं यहाँ पे फिटिंग करता हूँ और ये यहाँ पर इस तरीके से ये चल रहा था, ये यहाँ पर लॉक नहीं हो रहा था इस जगह पर, इसके चलते ये प्रॉब्लम था। और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इंजन पे भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे कस्टमर कहना चाहिए जो इसका काम हुआ था वो एक रिपेयरिंग वाला काम हुआ था, इसके चलते ये सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि किक का जो स्प्रिंग होता है और इंजन का जो झटके होते हैं बैक, वो झटके इस पर ये सहन नहीं कर पाए और वापस से इसमें प्रॉब्लम आ गई। तो इस तरीके से इसके अंदर प्रॉब्लम निकला और ये इसका बैलेंस यहाँ पे देखेंगे ये गियर है, ये इस तरीके से पिले है, मतलब इसका जो नीचे का बैरिंग है वो भी ख़राब है। और यहाँ ऐसे देखेंगे आप तो इसका ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसका जो काम हुआ है वो, और इसी को लेकर इसका काम हुआ होगा। तो देखते हैं दोस्तों जो कस्टमर का बजट है उस हिसाब से काम करेंगे इसके अंदर। दोस्तों यहाँ पर हमने इसका जो चैम्बर है इसे मैं जुगाड़मेंट से पूरा ऐसे बनाया हुआ हूं, तो नया क्रैंक केस डाल देना वो अलग चीज़ है, पर इस बाइक के अंदर ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है इसका जो रैचेट ये स्टॉपर पट्टी होता है ये टूट जाता है, ये इसका जो स्क्रू होता है वो हाफ चूड़ी टाइट होता है, इस पर फुल सपोर्ट नहीं होता, तो जिसके चलते ये टूटता है बार बार। यहाँ पर मैं जो जुगाड़मेंट किया हुआ हूँ तो यहाँ पहले मैं इसे होल किया हूँ और होल इतना किए हैं कि इसका इस साइड आ जाना चाहिए, इस साइड लेके आना चाहिए, दोनों होल को इस तरीके से मैं होल किया हूँ। और होल करने के बाद इस पर 10 नंबर का चूड़ी कट किया हूँ और चूड़ी कट करने के बाद इस पर जो इंजन का बोल्ट होता है हमारा वो मैं टाइट कर दिया हूँ इसके अंदर। टाइट करने के बाद पीछे के साइड यहाँ पे 10 नंबर का जो नट है इसे वेल्डिंग करा दिया हूँ इस तरीके से, तो ये फुल फ्लैश में बन गया है इसका। और इसका जो स्टॉपर पट्टी है इसका बेसिकली दो काम रहता है, पहला हमारा जो ये गियर होता है इसे फ्री करना होता है, इसे इस तरीके से ये भटके रहता है तो ये हमारा फ्री होना चाहिए, और दूसरा जो काम होता है वो इसे स्टॉप करके रखना होता है। तो हमारा जब स्प्रिंग लगता है तो इस तरीके से ये स्टॉप होना चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से ये स्टॉप हो जाना चाहिए ऐसा।
और स्टॉप होते साथ ये वाला जो गियर है ये फ्री होना चाहिए, इस साइड साउंड नहीं आना चाहिए। ये इस तरीके से अगर इस साइड से ऐसा करेंगे तो इसके अंदर साउंड आएगा। दूसरा चीज़, यहाँ पे जो इसका गियर है इस पर थोड़ा सा यहाँ लगाया हूँ, इस पर माल डाल के और इसे ऊपर की साइड उठाए हैं इसे इस तरीके से। तो आप इस तरीके से जुगाड़मेंट पे इसका जो चैम्बर है वो आप बना सकते हैं। और ये आपको ये चेक करना है इसके जगह पे जो यहाँ पे सपोर्टिंग है इस तरीके से होना चाहिए। एक मिनट से गियर को मैं निकालता हूँ बाहर, और इधर पे यहाँ पे इधर पे ना टूटा हो, इसके अंदर यहाँ पे ना टूटा हो, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। ये सपोर्टिंग है इस तरीके से, ये वाला जो सपोर्टिंग है वो ना टूटा हो। तो आप इस तरीके से ऐसे जुगाड़मेंट से बना सकते हैं। और ये काफ़ी हैवी जुगाड़मेंट है क्योंकि पूरा बोल्ट से टाइट हुआ पीछे के साइड और उसे हम वेल्डिंग करा दिए हैं। तो ठीक है, इसे अभी हम बाइक के अंदर फिटिंग करते हैं और जो साउंड आ रहा था वो क्लियर होता नहीं वो भी देखेंगे। तो इसे फिटिंग करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा डॉट देखने को मिलेगा, तो ये डॉट को आपको, ये रैचेट का जो गियर है यहाँ पर एक डॉट मिलेगा, तो इसे आपस में ऐसे टाइमिंग लेकर और इसे फिटिंग करना है। इस तरीके से फिटिंग करना है और यहाँ पे एक आएगा पतला सा स्प्रिंग, ऐसे डालना है और एक बॉसर, इस तरीके से बॉसर आएगा। दूसरा चीज़, इस पर डाउट होगा कि ये जो बोल्ट हमने वेल्डिंग कराया हुआ है ये बाहर के साइड टकराएंगे, तो ये जो गाइड लगता है टाइमिंग गाइड इससे ऊपर आएगा तो यहाँ का जो गियर रहेगा उस पर टकराएगा। यहाँ पर मैं आपको फिटिंग करके दिखा दूँ, ये गियर है तो इस तरीके से ये ठीक है, फिटिंग हो गया और ये यहाँ पे नहीं टकराया गया, काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। यहाँ पे हमें एक चीज़ और भी देखने को मिला, तो ये चैम्बर ये कभी चेंज हुआ होगा, तो यहाँ पे ये न्यू चैम्बर है और इसका जो ओल्ड चैम्बर है वो राइट हैंड साइड का, ये ओल्ड चैम्बर जिस पे इंजन नंबर होता है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो चैम्बर है क्रैंक केस वो नया है। तो इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आता है वो एसी को लेकर आता है। नहीं, इसका इंजन पूरा फिटिंग कर दिया है और बाइक के अंदर भी फिटिंग कर दिया है और इसका साउंड यहाँ से चला गया है और ये परफेक्ट तरीके से काम करने लगा। एक बार हम स्टार्ट करके देखेंगे, ऐसे करो स्टार्ट, देखो परफेक्ट स्टार्ट हो रही है और ये इस तरीके से काम कर रहा है। दूसरा चीज़, इंजन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे 10 नंबर का बोल्ट है, इसे लूज करना है आपको और यहाँ पे ये देखना है कि इंजन का ऑयल यहाँ पे आ रहा है या नहीं। इस तरीके से ऑयल आना चाहिए, ठीक है। मैं इसे बंद करता हूं। ये बाइक छोटी थी पर ये हमारे लिए बड़ी बाइक के बराबर थी कहना चाहिए, पर लड़कों ने बोला है कि यार हम ओपन करते हैं करके, तो इसे ओपन कराया और इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम इसका सॉल्व कर सकते हैं।